आज हम लोग मिश्रण का एक छोटा सा सवाल देखेंगे। सवाल ये कह रहा है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। इस तरह के सवाल जब भी कहे दूध में पानी मिलाना हो या किसी भी चीज़ में पानी मिलाना हो और उसको सीपी पे ही बेचना हो, तो जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, ध्यान रखिएगा, जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उतना परसेंट पानी मिला दीजिए। यानी ये क्या है ना कि 100% आपको ऐसे सोचना, 100% ये दूध होगा इज टू 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% आप इसमें पानी मिला दीजिए। बस ये रेशियो है दूध और पानी का, यानी 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। यानी इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 5:1 का होना चाहिए। अगर आपके पास 5 लीटर दूध है उसमें 1 लीटर पानी मिला दीजिए, फिर जिस रेट से आपने दूध को खरीदा है ना उसी रेट में बेच दीजिए, आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा बिना कुछ सोचे। याद क्या रखना है, जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उतना परसेंट पानी मिला दीजिए और सीपी भी बेच दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया हो जाए। यानी आपको 28 रुपया करना है ना, अनुपात में बताना है, और 36 रुपये की चीज़ है तो 36 से 28 करने के लिए आपको कितने रुपए कम करने होंगे, 8 रुपए कम करने होंगे, और यही आपका आंसर हो गया 28, 8। जितना कम करना है और जितना करना है, 28 रुपये बनाने के लिए आपको 8 रुपये कम करने होंगे, बस 28:8, 4 से काट दिया जाए, 4 दुनिया 8 और 4 सत्ते 28, यानी ये हो गया आंसर आपका 7:2। यानी यहाँ पे भी आपको क्या हो गया, दूध और पानी का रेशियो ये हो गया, 7 लीटर अगर आपके पास दूध है तो उसमें 2 लीटर पानी मिला दीजिए, और जो दूध है, जो अब जो दूध बनेगा, मिश्रण जो बनेगा, उसका रेट अब हो जाएगा 28 रुपये प्रति लीटर। तो ये दोनों सवाल बहुत ही आसान। एक और सवाल हम लोग देखेंगे, ये सवाल ये कह रहा है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाएं कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल मिल जाए। यानी इसमें जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है उन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो इसमें हम करते क्या है कि हम 30% लिखते हैं, 50% लिखते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसको बीच में लिख देते हैं 35। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यानी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, ये जो है इसके बारे में बताएगा और ये यहाँ के बारे में बता देता है। तो 35 और 50 का डिफरेंस आया 15 और 30 और 35 का डिफरेंस आ गया 5, यानी 15:5, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी जो ये आया हमारा, ये क्या आ गया, 3:1, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, 30% सांद्रता वाला 3 लीटर ले लीजिए और 50% सांद्रता वाला 1 लीटर ले लीजिए, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए, जो मिश्रण मिल के तैयार होगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा 35%। तो इसको हमें करना क्या है, दोनों का केवल डिफरेंस लेके लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं और बहुलक किसे कहते हैं। इन टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आ जाया करता है, बहुत ही इजी होता है लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आज हम लोग उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि माध्य, माध्य क्या होता है। तो माध्य का सीधा सा मतलब होता है कि औसत। अगर आपको माध्य पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप औसत बता दीजिए। जैसे अगर लिख दिया जाए कि 4 5 4, ठीक है, 2 8 7 8, क्वेश्चन में अगर आपसे किया जाए 4 5 4 2 7 8 का माध्य क्या होगा, तो माध्य मीन्स क्या निकालना पड़ेगा, औसत। और औसत निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, सीधे सीधे सबको जोड़ देंगे और जितने नंबर्स हैं उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। माध्य का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की
संख्या। तो अगर हम लोग ये देखें तो 4 + 5 + 4 + 2 + 7 + 8 / 1 2 3 4 5 6 इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 7 = 15 15 + 4 = 8 = 10 15 + 10 = 25 + 5 = 30 ये हो जाएगा 30/6 और ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 5 और यही हमारा हो गया माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जितने टोटल नंबर दिए गए हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जितने नंबर हैं उसी से डिवाइड कर देंगे और आपका माध्य निकल आएगा। या माध्य मतलब होता है सीधा सीधा औसत। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे माध्यिका क्या होता है। माध्यिका तो माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए 2, 4, 6 है ना, 5, 3, 1, 7 ठीक है। तो अब इसमें हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब बीचों बीच की संख्या निकालने का क्या तरीका है, 3 इधर से छोड़ दिया। ये जो बीचों बीच में बचा ना, बस यही आपकी हो गई माध्यिका। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी 4 ठीक है। लेकिन ये तो हम लोगों ने सीधे सीधे देख लिया कितना हो गया। अगर ये नंबर 7 ही नहीं होता, 8 तक होगा, अगर ये तो ऑड नंबर था, ऑड नंबर पे बराबर बराबर छोड़ दिया, बीच वाले अंदर निकल गया। लेकिन अगर ये नंबर हमारा, जैसे ये अगर होता, अगर हमारा क्वेश्चन ये रहा होता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो इसकी माध्यिका अगर हमको निकालनी होती तो इधर तो हमने 4 इधर देखा 4 इधर देखा, बराबर बराबर नंबर होगा तो बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो बीच में अगर कोई नंबर नहीं है तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर इसका हमको माध्यिका निकालना हो तो 4 + 5 / 2 कर देंगे, या 4 + 5 = 9 / 2 = 4.5 ये कर गए 4.5 आ गए। तब भी बात वही है, यानी 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 4 और 5 के बीच में नंबर आता है 4.5। तो माध्यिका निकालने के लिए एकदम बीचों बीच के नंबर हमें चाहिए। अगर इवन नंबर है तो भी हम देखेंगे कि बीच में दो जो भी नंबर आ रहे हैं उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या अगर ऑड नंबर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम बीचों बीच का नंबर आपसे निकल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बहुलक। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है बहुलक, बहुलक या इसी को कभी कभी क्या आता है बारम बारता। तो ये तो एकदम इजी होता है, जैसे अगर कभी दे दी जाए 2, 4, 2, 3, 2, 7, 2, 2, 8 है ना, और ये 4, 3 तो ये आपको ये देखना होता है कि कौन सा डिजिट कितनी बार लिखा गया। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 दो जो है 5 बार लिखा गया है, 4 जो है 2 बार लिखा गया है और 3 भी 2 बार लिखा गया है ठीक है, और 7 जो है 1 बार लिखा गया है, 8 जो है 1 बार लिखा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बारंबारता। तो ये जो हो गया ना, यानी जो 2 है ये 2 ही बारंबारता है, या इसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक का मतलब होगा कि जो बार बार आए उसी को बहुलक बोलते हैं ठीक। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है परास है ना। तो परास पूछा जाता है, या इसी को कहा जाता है परिसर, इसी को कहते हैं परिसर या रेंज। तो इसमें जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 5, 9, 7, 6, 2, 8, 7 तो भैया चलिए मान लीजिए अगर इसका परिसर पूछे तो इसको पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, यानी 2, 3, 5, 6,
सात आठ और नौ, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इसमें क्या होता है कि सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं, यानी नाइन माइनस टू इज इक्वल टू सेवन। तो इसका जो परास आया वो क्या आ गया, सेवन, या इसी को रेंज बोलेंगे। रेंज में क्या हुआ कि मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक, यानी कितना तक ये वैल्यू दिखा रहा है, ये वेरिएशन जितना दिखा रहा है वह इसका परास हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये देखा कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, परिसर क्या होता है और बहुलक क्या होता है। ये सभी चीज़ें बहुत ईजी हैं, स्पेशली सीटेट यूपी टेट में तो बहुत आसानी से पूछा जाता है। तो आज के बाद हम लोग ये एकदम आसानी तरीके से और सही करेंगे। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।